कई मुझे सुने होंगे तो सोचेंगे कि वही बातें बार बार कर रहे हैं। प्रस्तावना जब पढ़ना शुरू करता हूं तो दो ही शब्दों पर जाकर अटक जाता हूं, तीसरे तक पहुंच ही नहीं पाता हूं कि हमने कल्पना किया, प्रस्ताव किया कि हम न्याय प्राप्त करेंगे। न्याय कौन सा? तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। हम आर्थिक को बीच में किनारे फेंक के सामाजिक को बाद में करते हुए राजनीति लेकर आगे बढ़ गए। राजनीतिक स्वतंत्रता और राजनीतिक न्याय हमने प्राप्त कर लिया जिस दिन संविधान की उद्घोषणा किया, प्रोक्लेमेशन किया 26 जनवरी 1950 को ही बस, और वहीं हम संतुष्ट होकर बैठ गए। विडंबना इस देश की यह है कि हम आज तक तमाम राजनीतिक शास्त्री, हमको पुराणों ने क्या कहा, हमारे बड़े बड़े ऋषियों ने क्या कहा, मनीषियों ने क्या कहा, उन सबको हम आज देख नहीं सकते, लेकिन जिनको देख रहे हैं, जिनको करता हुआ देख रहे हैं, उनसे मांग नहीं कर सकते कि हमारी आर्थिक आजादी कहां गई, आर्थिक न्याय मुझे कहां मिला, क्यों नहीं मिला, ये विषय क्यों नहीं उठाया जाता है। ये सब आदमी जितने बैठे हुए हैं, ये सारे लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी बिंदु पर आर्थिक स्वतंत्रता और आर्थिक न्याय के द्वारा प्रताड़ित है। पूरा का पूरा भारत प्रताड़ित है, आर्थिक न्याय मिला नहीं। सामाजिक न्याय सिर्फ इसलिए मिल गया कि हम थोड़ा बहुत पढ़ लिख लिए और पैंट शर्ट टाई बांध लिए और कुछ नहीं कर पाए। थोड़ी जेब में पैसा हुआ, बाप गलत ढंग से लाया कि सही ढंग से लाया ये विचार ही भी नहीं समझा हमने। मोबाइल लेते समय हमने चाहे लावा का ले लिया 2000 का, चाहे एप्पल का ले लिया 50000 का, चाहे जुकरबर्ग का 56000 का ले लिया, बराबर हो गए। फेसबुक पर जिस जमला हुआ तब किसी को गाली भी दे लिया, कोई दिक्कत नहीं है, स्वतंत्रता मिल गई। थोड़ी बहुत उसमें रोक लगी थी, उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं नहीं ये स्वतंत्र है, फ्रीडम ऑफ राइट ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, क्योंकि दिया ही दो चीज। उसकी अवधारणा भी बनारस से मिली कबीरदास ने, कहा कि कबीरा खड़ा बाजार में लिए लू काठा हाथ जो घर फूके आपना, चलो हमारे साथ गाली देना है, चाहे दिल खोल गाली दो कोई दिक्कत नहीं। हम इतने बड़े बड़े मनुष्यों की चर्चा करने के योग्य है नहीं, सच्चाई है, हम महामना के योग्य नहीं है। मैं कभी बात करता हूं जब शिक्षण संस्थाओं में, तो लोगों से पूछता हूं कि हम भी काठे हिंदू विश्वविद्यालय से पढ़े निकले तो मन बड़ा उत्साह था कि चल के हम भी किसी ऐसी संस्था का सृजन करें जहां पर लड़के बहुत कम फीस में, हम लोग जब पढ़ते थे तो उस समय 15-20 रुपए पूरे साल की फीस हुआ करती थी, 60 रुपया सालाना, और हमको तो लगता है कि